सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम कॉपी का काम करेंगे जो कि हिंदी कॉपी है। आपको हिंदी कॉपी निकालनी है। आपको दिन लिखना है 13/4/2021, कक्षा कार्य लिखना है और हेडिंग डालनी है समान तुक वाले शब्द। ठीक है, समान तुक वाले शब्द आप जो हैं हेडिंग डालेंगे। उसके बाद पहला लिखेंगे मलाई लड़ाई। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि मात्राएं सेम होती हैं तभी वो समान तुक वाले शब्द बनते हैं। जैसे आया, ठीक है, गुर्राया, घबराई बचाई, केला मेला। अब देखो केले में भी एक ही मात्रा है, मेले में भी एक ही मात्रा है, साथ में आ का डंडा है, दोनों में मात्राएं सेम हुई ना, तो ये याद रखना है आपकी मात्राएं ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अंदर बंदर, ठीक है, थाली माली, शोर मोर, भोर भी हो सकता है भ में भोर, ठीक है, रात बात, ठीक है, इस टाइप से घड़ी छड़ी, बड़ी बड़ी भी हो सकता है, रानी कहानी, ठीक है, भगत जगत, ठीक है, ये हो सकता है, पहर नहर। पहर क्या होता है? पहर होता है कि जो एक समय का, जैसे कि सुबह, सुबह जो होती है एक पहर में काउंट होती है। दिन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उन्हें पहर हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में तो हम मॉर्निंग इवनिंग और नाइट और आफ्टरनून इस टाइप से डिवाइड करते हैं ना, हिंदी में पहरों के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और किला, किला पता है जैसे पुराने टाइम पे बनाते थे। जिला होता है हमारा किसी भी शहर का, कोई एक शहर होता है ना उसका एक पार्ट जो होता है ना उसको जिला कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो एक स्टेट, आपने स्टेट्स पढ़े होंगे, स्टेट्स पता होगा, जैसे हरियाणा एक स्टेट है, स्टेट के अंदर जिले होते हैं, है ना, तो अलग अलग बहुत सारे जिले मिलके एक स्टेट बनता है, तो वैसे। गीला पीला, ओके, आपको ये इनमें से कोई शब्द अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। घुराया पता है आपको क्या होता है, ठीक है, थाली थाली पता है आपको, शोर पता है जैसे आप लोग शोर करते हैं, भगत भगत क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान होता है ना उसको हम भगत कह देते हैं कई बार, कह रहे ये तो बहुत ज़्यादा भगत है, ये तो भगवान का भगत है, ये तो कृष्ण जी का भगत है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर भगवान को बहुत ज़्यादा दिल से मानता हो, उसके अलावा उसे कोई और चीज़ नज़र ना आती है। ठीक है, अब ये हमारे मैंने 18 लिखे हैं बेटा आपके लिए। ठीक है, रस्म और कस्म। कस्म तो आपको पता है, जो कसम खाते हैं कई लोग कहते हैं कसम कह देते हैं, वो कस्म होता है, स आधा होता है। ठीक है, रस्म होता है हमारे रीति रिवाज, जैसे शादियों में आप देखते होंगे कि अलग अलग टाइप के रीति रिवाज होते हैं, तो हम उन्हें रस्म कहते हैं कि रस्म निभा रहे हैं हम। ठीक है, भालू पता है आपको, जैसे जानवर होता है, और आलू पता है, देखो दोनों में आ की मात्रा है और ऊ का मात्रा है, दोनों हैं। ठीक है, अपना और जपना, जपना पता है क्या होता है, जैसे कि हम, जैसे आप जानते हो कि पाठ पूजा करते हैं आपके घर में मम्मी पापा, तो एक तरह से माला होती जपने वाली, है ना, तो वो उसे जपना कहते हैं, या भगवान का नाम बार बार लेना उसे जपना कह देते हैं हम। ठीक है, वो होता है साथी, यानी जो आपका पार्टनर होता है हम उसको कहते हैं। हाथी पता है सबको, जानवर होता है, जैसे साथी आपके स्कूल में भी आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके साथी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जो आपके साथ रहने वाले हों, साथ पढ़ने वाले हों, अगर आपके साथ कोई ट्यूशन जाता है तो आप उसको ये बोल सकते हैं, ये मेरा साथी है जो मेरे ट्यूशन जाता है मेरे साथ, यानी ट्यूशन का साथी है, स्कूल का साथी है, इस टाइप से ये शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके पेजेस हैं, टोटल 18 हैं आपके समान तुक वाले शब्द बेटा। ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं और साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखिए। अभी भी कुछ बच्चों की राइटिंग जो है क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप अपनी राइटिंग भी सुधारिए थोड़ा सा। ठीक है, अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए हो, थोड़ा ध्यान से लिखो और बहुत प्यार से लिखो, मात्राओं का ध्यान रखो कि एकदम जो शब्द हैं बहुत सुंदर लिखने हैं बेटा। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।